हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस, आज मैं अपने कलेक्शन के स्लाइडिंग पजल्स दिखाने वाला हूं, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएंगे। तो आज की वीडियो में क्या होने वाला है और क्या हम करने वाले हैं, सो ये वाले पजल के बारे में बात करूंगा, जो कि शायद अभी तक का सबसे मोस्ट फेमस स्लाइडिंग पजल है, या फिर पजल भी बोल सकता हूँ, क्योंकि आपने इससे रिलेटेड शॉर्ट्स काफी देखे होंगे। एंड इन दोनों के बारे में भी बात करूंगा, जिनके गेम्स आपने मोबाइल में काफी खेले होंगे। और अगर इनमें से आपने कोई भी पजल शॉर्ट वीडियो या कहीं भी देखा तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, उससे पहले चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। एंड ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है, तो लाइक भी जरूर करके जाना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड देखते हैं कि इन पजल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं और ये क्या है। सो सबसे पहला जो है वो है हमारा ये वाला पजल, जिसका नाम है गीकर का सुपर स्लाइड पजल। और इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाया था जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी और इसके रिव्यू दिया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि मेरे मेन चैनल पे मैंने डाल रखा है, जिसमें आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा कि अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो एक काफी बड़ा डिस्काउंट कोड आपको मिल रहा है, जिससे आपको 20% का ऑफ मिलेगा। तो वो सारी डिटेल उस वीडियो में मिलेगी, बट अभी पहले ये वाला वीडियो देखकर तब जाना कि आपको ये पसंद आएगा, तभी आप उसको वीडियो को देखना। सो इसमें हमें करना क्या होता है, तो देखो इसमें हमें जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे इन टाइल्स को अरेंज करना होता है। हमें काफी एक्स्ट्रा टाइल्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये रही, और इनको हमें अरेंज करना होता है। और ऐसे सेम अरेंज करने के बाद फिर हमारा असली पजल स्टार्ट होता है। हमें इस रेड ब्लॉक को यहां पर नीचे स्लाइड करके लगाना होता है, सिर्फ स्लाइड करके ही हम अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको किया, मैं यहां पर ये करता हूं, ऐसे ऐसे करके आपको इनको रेड वाले ब्लॉक जो है उसको नीचे लाना होता है, जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा। अब मैं लाने की कोशिश करता हूं। सो ये वाली लेवल आई थिंक इजी होने वाली है। सो जैसा हो सकता है, अब देखो जैसे हमने इसको लगा दिया, अब ऐसे ही इस पजल को हमें सॉल्व करना है, और ये काफी मजा आता है इसको सॉल्व करने में। और इसको अब देखो जैसे नई लेवल क्रिएट हो गई, ये आई थिंक 35th लेवल है। अब ऐसे ही स्लाइडिंग पजल में इस वाले रेड ब्लॉक को ऐसे अरेंज करो जैसे स्क्रीन पर हमें दिख रही है चीजें, और फिर आपकी पजल स्टार्ट हो जाएगी। बड़ी बात पता है इस पजल की क्या है, कि इसमें अराउंड आपको 500+ लेवल्स देखने को मिलते हैं, जो कि इसको काफी ज्यादा अच्छा पजल बनाती है, और काफी इंटरेस्टिंग भी हो रहा था, और काफी पोर्टेबल है यार, सिर्फ इतने से सेक्शन में आता है और उसकी टाइल्स भी पूरी अरेंज हो जाती है। तो इसमें मुझे काफी मजा आता है, और जनरली टाइम पास में मैं इसी को सॉल्व करता हूं, और इसकी लेवल आगे चल के इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि मुझे कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है और मैं इसको बंद करके रख देता हूं। तो चैलेंजिंग पजल्स अगर आपको पसंद है तो ये वाला पजल आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है हमारे ये वाले पजल। सो ये क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सो ये है एक तो हमारा चीका क्लॉट्स की स्लाइडिंग पजल, और एक ये वाला है। अब ये वाला जो है ये है 4x4 वाला, मतलब इसमें हमें टोटल 16 ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। एक ब्लॉक ब्लैंक होता है क्योंकि स्लाइड करके हमें करना होता है, तो स्लाइड के लिए जरूरत है, तो 15 नंबर्स तक आपको देखना है। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमें नंबर्स से इन सीक्वेंस को लगाना है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके स्लाइड करके हमें लगाना होता है। अब ये इतना हार्ड क्यों है, क्योंकि हम एक लाइन बना लेते हैं, हम दो लाइन बना लेते हैं, हम तीन लाइन बना लेते हैं, बट लास्ट लाइन चाहे कितना भी बड़ा पजल हो, जैसे ये वाला जो पजल है ये 6x6 है यार, 36 ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें, और ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है। एक छोटा भी आता है जो कि 3x3 का होता है, बट आई थिंक अभी वो अवेलेबल नहीं होगा इंडिया में, ये भी शायद अभी अवेलेबल नहीं होंगे, स्टॉक आउट हो चुके हैं क्यूब ले लोपे से, बट कभी मिलेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये अगर आपको बाय करने का मन है तो डेफिनेटली, क्योंकि इनमें भी काफी मजा आता है। जैसे मैं इनको करके दिखाता हूं आपको, तो जैसे मैंने इसको स्लाइड किया और यहां पर 1 और 2 लग गया, नेक्स्ट मैं 3 को ढूंढता हूं यहां पर। अब इसको मेरे को ऊपर लेकर आना है, तो कैसे लेकर आऊंगा, ऐसे स्लाइड करके ऐसे, ठीक है। अब मुझे लाना है 4 को, सो 4 कहां पर है, ये रहा। अब इसको मेरे को लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा, देखो तो यहां पर 4 लाया एंड सिंपली मैंने इसको लगा दिया। तो ऐसे करके हमें लगाना है। अब लास्ट लाइन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है इसको करने में, कि मैं कभी कभी तो इसको गिव अप कर देता हूं। ये वाला तो हो भी जाता है जो 4x4 वाला है, बट ये बड़े वाला जब लास्ट लाइन में अटकता है ना, तब इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी गुस्सा भी आने लग जाता है कि क्या मैंने ले लिया है, क्योंकि सॉल्व भी नहीं होता है कभी कभी और दिमाग खराब हो रहा होता है। सो अब देखो जैसे मैंने 5, 6, 7, 8 भी इसमें लगा दिया, लास्ट में 9 वाला लगाता हूं और 10 लगाते हैं। सो मैंने 10 भी लगा दिया, अब 11 लगाता हूं,
सो देखो 9, 10, 11, 12 अब सबसे चैलेंजिंग काम होता है 13, 14, 15 को लगाना, क्योंकि यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। अब इसको लगाने के लिए हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ता है जिसकी वजह से क्या हो, ये वाला जो ब्लॉक है सीक्वेंस में लगे। अब इसके लिए हमें कुछ अलग चीज देखनी पड़ती है जो कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे ये हुआ, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9, 10, 11, 12 तो 13, 14 लग गया, अब देखो हमारा 15 बच गया, अब इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। सो ये बस इसमें यही एक प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी कि हम इसमें दिक्कत करते हैं। अब देखो ये हमारी एक टाइल निकल गई है, बट मैं चिटिंग नहीं कर रहा हूं। सो इसको लगाया 9, 10 और अब शायद ये बन जाएगा। सो 13, 14, 15 एंड तब जाकर ये सॉल्व होता है। बड़े वाला तो मैं अभी करूंगा भी नहीं इस वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है मेरा पोपट हो जाएगा और मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। सो ये थे मेरे स्लाइडिंग पजल्स जिनको आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। इनको तो आप शायद ना करें क्योंकि अभी मिल भी नहीं रही है और अभी ये आउटडेटेड भी हो चुके हैं, बट लेटेस्ट में जो अभी चल रहा है वो है हमारा ये वाला पजल जो कि गीकर का सुपर स्लाइड पजल है और आई थिंक मोस्ट फेमस पजल है, हर जगह आपने देखा होगा और एक्चुअल में काफी इंटरेस्टिंग है, 500+ लेवल से। तो इसका डिटेल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अगर आपको अभी पसंद आ गया है तो डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा इसका, जिससे आप और डिस्काउंट कोड भी मिल जाएगा, बट उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया इसके बारे में तो वो ज्यादा पसंद आएगा आपको। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड ये वीडियो में मजा भी आया होगा और 3 नए पजल्स के बारे में आपको पता चला होगा। तो वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरे वीडियोस तक आप सबसे पहले पहुंच जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।